नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। तो सचिन पायलट को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जादूगर के नाम से जाने जाने वाले और काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले नेता। तो अब क्यों नहीं सचिन पायलट के बारे में थोड़ा और जाना जाए। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट आखिर अपने नाम के पीछे पायलट क्यों लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि उनके पिता का नाम राजेश पायलट था तो सचिन भी अपने नाम के पीछे पायलट लगाने लगे। दरअसल ऐसा नहीं है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है जिसके बारे में जानते हैं। दरअसल सचिन पायलट को उनका सरनेम उनके पिता से मिला। उनके पिता एयरफोर्स में पायलट थे। सचिन के पिता ने 1971 के वॉर में हिस्सा लिया और बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला भी किया। थोड़े समय बाद राजेश पायलट ने एयरफोर्स छोड़ा और राजनीति में आ गए थे। तब संजय गांधी ने उन्हें ये पायलट सरनेम दिया था और राजस्थान के भरतपुर से राजेश पायलट को चुनाव भी लड़ा है। बस यहीं से राजेश बन गए राजेश पायलट। दरअसल राजेश पायलट का वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह भिदुड़ी था। और ये भी बताया जाता है कि पूर्वी राजस्थान में भरतपुर का चुनाव लड़ने से पहले जब वह ग्रामीण इलाकों के दौरे पर गए तो वहाँ चर्चा थी कि कोई पायलट आने वाला है। बस तब से लोग उन्हें पायलट कहने लगे और उसके बाद उन्होंने अपना नाम राजेश पायलट कर लिया था और इसी के बाद वे हो गए राजेश पायलट। और इसी पायलट सरनेम को लेकर जब सचिन पायलट स्कूल पहुंचे तो स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। ये बात खुद सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। बचपन में सचिन को स्कूल के बच्चे इसी नाम से परेशान भी करते थे। हालांकि सचिन का भी अपने पिता की तरह एयरफोर्स में जाने का सपना था, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सचिन पायलट की आंखों की रोशनी कम थी और इसी वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। सचिन पायलट के राजनीति में आने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी एक सभा में सचिन पायलट के सरनेम पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इनके पिता राजेश पायलट तो एयरफोर्स में पायलट थे तो उनके पिता के नाम के आगे तो पायलट लगेगा, लेकिन उनके पूरे परिवार के नाम के आगे पायलट नहीं लगेगा। और ऐसे में अगर मेरे पिता डॉक्टर है तो क्या मैं मेरे पूरे परिवार के नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा। लेकिन सचिन पायलट इसके बाद घबराए नहीं और उन्होंने भी कटारिया को कड़ा जवाब देते हुए कह दिया कि मैं जब भी फ्री होऊंगा तो कटारिया जी को प्लेन में जरूर घुमाऊंगा। वहीं सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि उन्होंने अपनी माँ को बिन बताए ही जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया था। वहीं सचिन पायलट बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा भी करना चाहते थे। पायलट के पिता एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पद को छोड़कर राजनीति में आए थे। वहीं उनके बेटे सचिन पायलट को राजनीति में आकर सेना में जाने का मौका मिला। साल 2012 में टेरिटोरियल आर्मी में और 2019 में उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोशन भी मिला। बस यही थी सचिन पायलट के सरनेम की कहानी। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और पायलट की रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ती है कि सारे लोगों का जन सैलाब आ गया हो। बस यही सैलाब भी तो दर्शाता है सचिन की लोकप्रियता को।